नमस्कार दोस्तों, अभी की अभी पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। साथियों, इतनी बेहद बुरी खबर, 119 बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर्फ पानी पीते ही साथियों बुरी तरह से हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, लगातार इस कदर की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं जो साथियों बेहद डरावनी है। साथियों, अब इस खबर को लेकर पूरे गाँव में साथियों शोक की लहर दौड़ गई है, यहाँ तक कि अस्पताल के सारे बेड फुल हो गए हैं। साथियों जानेंगे पूरे मामला, निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर राजस्थान के करौली जिले की है। गंदा पानी पीने से 119 लोग 100 बच्चे शामिल साथियों लगातार खबर आ रही है कि बीमार हो गए हैं। हाल ही में यह हुआ है, 22 बेड वाले हॉस्पिटल में एक साथ मरीज पहुंचे हैं तो नर्सिंग स्टाफ की सांसें फूल गई। हॉस्पिटल में मरीजों को मंगलवार रात 12 बजे आना शुरू हुआ और बुधवार दोपहर 26 मरीज भर्ती किए गए। 2 दिन में 48 मरीज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, 65 मरीजों को गाँव में इलाज चल रहा है। मामला करौली जिले के सिमरा गाँव का बैरवी बस्ती का है। एक दिन पहले 6 मरीजों को मंडरायाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से एक की गंभीर को करौली कर्णपुर में, 3 साल के शिवम, 8 साल के अंकुश संकुल और बात करें 7 साल के अंजू कुमार को करौली के जिला हॉस्पिटल में रेफर किया है। मरीजों में 43 महिलाएं, 37 पुरुष, 39 बच्चे, टोटल 119 लोग साथियों भर्ती कराए गए हैं। तुरंत पानी पीने से 119 बीमार हैं, जहरीला पानी पिया है साथियों। आखिरकार पानी ऐसा क्या था? बुधवार को CMHO के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम गाँव पहुंची और कुएं के पानी के सैंपल लिए, साथ ही मरीजों के घर घर जाकर दवाई दी। कुएं का गंदा पानी पीने या बात करें दोस्तों खराब तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग दोस्तों होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। गांव के पूर्व सरपंच बद्री बेरवा ने बताया कि सिमारा गाँव के 3 दिन पहले तरबूज बेचने आया था। गाँव के अधिकांश लोगों ने तरबूज खरीदे थे, ये तरबूज खराब बताए जा रहे थे। पूरे गाँव के लोग एक ही कुएं के पानी पीते हैं, इसके लिए लोगों ने कुएं में निजी मोटर डालकर घर घर कनेक्शन ले रखे हैं। कुएं की भी सफाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ANM ने ब्लीचिंग पाउडर डाला था। करौली CMHO ने कुएं से सैंपलिंग के लिए पानी निकलवाया तो इसमें जिंदा कीड़े तैरते नजर आए। कुएं में गंदगी नजरी देखकर नजर नाराजगी जताई। अस्पताल में सभी वार्ड फुल हो गए। जिस मरीजों को यहाँ जगह मिली वही ड्रिप चढ़ाकर इलाज किया गया है। एक एक बेड पर 3-3, 6-6 बच्चे इलाज किया गया है। कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डाला था साथियों। बड़ी खबर से